मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म की। हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। ये वन रैंक वन पेंशन की बात कह रहे थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर कहा कि सबसे पहले इन्होंने पेंशन खत्म किया राजस्थान सरकार और हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की। हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के अंशदान का पैसा वापस कर दो, हम उसको वापस मांग रहे हैं, अभी तक तो वापस भी नहीं किया। पहले वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। जब कोई रैंक ही नहीं तो पेंशन भी नहीं। आदमी 58 साल में 60 साल में 62 साल में रिटायर होता था, तब तक वे दादा दादी नाना नानी बन चुके होते थे। अब तो शादी के कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व अग्निवीर, 21 साल में ही वह भूत हो जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सर्विस के बाद उसको रिटायर करके क्या देंगे? 12 लाख रुपए शादी किए रिसेप्शन में ही 12 लाख खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि यह सेना के साथ एक मजाक है, ये उन देशों के साथ तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, कोई सेना में नहीं जाना चाहता, वहाँ अनिवार्य करना पड़ता है, यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है तो वहीं सेना में जाने के लिए लोग ललायत रहते हैं। यही कारण है कि भारत देश की सेना पूरी दुनिया में एक धाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।